श्रीमान लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, और श्रीमान लालू प्रसाद यादव 2019 में क्या कह रहे थे कि सभी सीट हम जीत रहे हैं, मोदी जी हार रहे हैं, जीरो पर आउट हो गए। ये बिहार के शहजादे तेजस्वी यादव जी, अब देश के शहजादे राहुल गांधी जी को जो स्क्रिप्ट लिख के देता है, करोड़ों रुपया लगा के एक बड़ी टीम बैठाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की मतदान समाप्त हो चुकी है, ऐसे में महागठबंधन लगातार यह दावा कर रही है कि जीत हमारी हो रही है, जिसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ राहुल गांधी पर भी जबरदस्त हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार जो महागठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार जीत हमारी हो रही है, तो वो लोग गलतफहमी में ना रहे, हम लोग जीत रहे हैं इसका दावा करते हुए नजर आए विजय कुमार सिन्हा। तो साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी जबरदस्त प्रहार करते हुए नजर आए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, पहले आप वो सुने। जिसके गोद में पलते बढ़ते हैं वही भाषा सीखते हैं ना। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, और श्रीमान लालू प्रसाद यादव 2019 में क्या कह रहे थे कि सभी सीट हम जीत रहे हैं, मोदी जी हार रहे हैं, जीरो पर आउट हो गए। ये बिहार के शहजादे तेजस्वी यादव जी, अब देश के शहजादे राहुल गांधी जी को जो स्क्रिप्ट लिख के देता है, करोड़ों रुपया लगा के एक बड़ी टीम बैठाए हैं, और वो जो स्क्रिप्ट लिख के देगा, जो वो मुगालते में इनको रखेगा, वही भाषा बोलेंगे। जमीनी हकीकत इनको पता नहीं है। अरे कितनों भरमाने का प्रयास कर लें, लोगों को वरगलाने का प्रयास कर लें, आपके बर बोलेपन की बातें देख चुका है। खेलने चले थे, खेला करने चले थे, पड़ गए झमेला में, तो आपकी बात पर लोगों को विश्वास नहीं है। और सच्चाई है कि बिहार की जनता आप जैसे लोगों से मुक्ति चाहता है, नौटंकीबाज राजनेताओं से बिहार को मुक्ति चाहिए। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी जमींदारी का मानसिकता बिहार को नहीं चाहिए। बिहार में सेवक चाहिए, जमींदार नहीं चाहिए। बिहार में जनता के बीच रहने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला लोग चाहिए। वो लक्षण और वो गुण इन लोगों में नहीं है। राहुल गांधी सहित तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोलते हुए नजर आए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि ये लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, जीत हमारी हो रही है, जीत एनडीए की हो रही है, जीत का दावा करते हुए नजर आए। तो वही कहते हुए ये भी नजर आ रहे हैं कि जो इन्हें 2.5 लाख करोड़ की जो स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है, वही ये लोग पढ़ लिख के बोल देते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देश की जनता को जमींदार नहीं चाहिए, ये लोग जमींदार है, देश की जनता इन्हें जवाब देगी। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे थे विजय कुमार सिन्हा, देखा आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।